नमस्ते दोस्तों, आपका कुकिंग पिंकी चैनल में स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही चटपटी टेस्टी रेसिपी। इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में बनाकर सुबह सुबह में दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होती है, चटपटी स्पाइसी बनती है, आप जैसा बनाना चाहें वैसे बहुत अच्छी बनती है। इसको हमारे यहाँ पर रमास बोलते हैं, कहीं इसको लोबिया भी बोलते हैं। अच्छे से इसको पहले भिगोएंगे 4 से 5 घंटे। अगर ओवरनाइट रखना चाहते तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे कुकर में। पहले हमने रमास को डाल दिया, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगा के इसको बॉईल करेंगे 2 से 3 सीटी आने तक। अच्छे से बॉईल हो गए, अब इसकी चटपटी चाट बनाएंगे। पहले एक बाउल लेंगे, उसमें रमास को डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटे हुए प्याज थोड़े से, और इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे इसका खट्टापन लाने के लिए नींबू का रस। नींबू से क्या इसका फ्लेवर और ही चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हल्का सा मीठा बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं केले को, पके हुए को कट करके छोटे छोटे पीसेस में डाल देंगे। इससे क्या है कि जो रमास का टेस्ट है ना, तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। केले को अगर खाना पसंद नहीं करते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाला पूरी तरह से चिपक जाए और इसका फ्लेवर सब में हो जाए। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, और भी कुछ मसाले आप ऐड करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, गर्म मसाले वगैरह। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, थोड़ी सी आलू भुजिया डाली है, आप कोई भी नमकीन इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए, हमारी रमास की चटपटी चाट बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप। केचप डालना भी तो बाकी है ना। ये देखिए इतना अच्छा इसका टेस्ट आया। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल पर, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।